इतना जोड़ा जट मरन दिया है जिन्हों सारा संसार पा रहा है उनकी आग बात लिना तू जो सारा भगवंत मान कहता मैं एम एस पी दूंगा हूँ वो कितने गया पाया पुत जी सा सूरजमुखी है वो 3600-4100 तक है जिन्हें कार 1200 रुपया एम एस पी है हरियाणा ने 5800 रुपया दे रहे हैं 1000 रुपया को दे रहे हैं ये बड़िया बड़िया गल्ला मारते कहते असं आपके द्वार आपकी सरकार आवेंगे हूँ तो पुत आके सू पुछद कोई देखो 800-900 रुपये तक मैं खरीद रहे हैं असं किमें बचा फिर कहते भी किसान जरा एक अं हो करा जो सा लागत तो कि लागत ही नहीं पूरी एक पास चला गया जो हरियाणे से ही 5800 खरीद रहे हैं 1000 रुपया सरकार दे रही है इतने कोई वाली वारस नहीं सा जो कहते कि अभी आप सरकार किसानों की सरकार है मजदूर की सरकार किसी ने आके साथ बात तक नहीं इन्होंने की साढ़े पखंड किया हो बेचना सारे व्यापारियों खरीद कितने सुपने पाती सा जगह नहीं मिलती ट्रालियां साढ़िया भरिया खड़िया वेख लो जी जे असी छकावे तो सू रेट मिल जू जब सू जगह नहीं मिलती फिर लुट देंगे कहते असं 800 तो या 850 तो बाद लेनी नहीं सा बिल्कुल सू लुटाई हो रही है मैं मार्केट कमेटी वाले या सरकार अगर बेनती करदा कि जी व्यापारी है जदों ने साढ़े तो खरीद ली फिर मंडी क्यों अपने घर जाके सिखावे ये मंडी जी जट्टा वास्ते है ना कि व्यापारी वास्ते है मक्की का जी जिनी है कि लुट हो रही है मैं आपकी जिंदगी जी नहीं वेखी पहला परसों ये गली सीधी तला रही 10-1100 रुपये में कल इन्हें 850 तो लैके 900 रुपये तक खरीदी है इन्होंने की साढ़े पखंड किया हो बेचना सारे व्यापारियों खरीद कितने सुपने पाती सा जगह नहीं मिलती ट्रालियां साढ़िया भरिया खड़िया वेख लो अजे भी जे असी छकावे तो सू रेट मिल जू जब सू जगह नहीं मिलती फिर लुट देंगे कहते असं 800 तो या 850 तो बाद लेनी नहीं सा बिल्कुल सू लुटाई हो रही है मैं मार्केट कमेटी वाले या सरकार अगर बेनती करदा कि जी व्यापारी है जदों ने साढ़े तो खरीद ली फिर मंडी क्यों अपने घर जाके सिखावे ये मंडी जी जट्टा वास्ते है ना कि व्यापारी वास्ते है इस करके साड़ी बहुत लुट हो रही है दूजी गल जी है मक्की असी सिका भी रहे हैं मक्की का 1900 तो उत्ते रेट है तो जी सा विक रही है मेरा 1500-1600 बद नहीं लै रहा सुकी मक्की जोड़ा सारा भगवंत मान कहता मैं एम एस पी दूंगा हूँ वो कितने गया पाया पुत जी सा सूरजमुखी है वो 3600-4100 तक है जिन्हें कार 1200 रुपया एम एस पी है हरियाणा ने 5800 रुपया दे रहे हैं 1000 रुपया को दे रहे हैं ये बड़िया बड़िया गल्ला मारते कहते असं आपके द्वार आपकी सरकार आवेंगे हूँ तो पुत आके सू पुछद कोई इतना जोड़ा जट मरन दिया है जिन्हों सारा संसार पा रहा है उनकी आग बात लिना तू ये सारी इन्हों सारे मिली भुगत है तो किसान लुट रहे हैं जे किसान मर गया सारे मर जाने मजदूर भी मर रहे नाल बेचारा मजदूर साढ़े दुखी है किसान तो है ही है फिर कहें भी किसान सबसिडी दे रहे हो सबसिडी की दे रहे हो तुम तो सू खा रहे हो अभी कहने सू सबसिडी ना दो सू सही रेट दौ जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है अभी कहना वो रोड तो सू किसी सबसिडी की लड़ नहीं हूँ ये कहना मैं तो कोई टैक्स नहीं लाऊंगा हूँ जो सीजन है कल इन्हें 1 रुपये बैट डीजल से लाता वो जटा कि पास बख्शेंगा भी सू बचन देगा कि नहीं बचन देगा ये मदारियां वाली गल् करते कोई सरकार वाली गल नहीं इन्हों को जी पिछले साल मैं 2200 में बेची सी सुकी मिलो मेरे को ये परचा पे है वो इनकी 1500 नहीं देख रही मेरे जाकर परचे कढ़ा लो पर साढ़े खर्चे बदे आ 1 रुपया डीजे तो होर रेट तुम्हें बताता तुम कहते अं कोई टैक्स नहीं आ रहा किसानों बचावे किसान बचाने वाली गलों ने यह बिल्कुल सरकार जी है किसान विरोधी सरकार है और इस करके किसान जो खुदकुशियां कर रहे हैं असं सरकार को अपील करते हैं भी साडा जो एम एस पी है वो सानू दिता जाए तो ही असं बचा नहीं तो साडा बहुत बुरा हाल है मक्की लैके रेट रूट लग रहा मक्की का उही 1000-1100 लग रही है मंग तो जी सरकार तो 1900 कुछ रुपये कह रही है जी पर देख लो थोड़े सामने जी फुल लुट लुट हो रही है कौन लोग नहीं लुट करते सरकार ही कर रही है जी हाँ जी हाँ कि मेहनत आ जाती मेहनत तो जी 20-25000 रुपया मैं एकड़ आ जाए हाँ जी हाँ कि मक्की लाई थी 55 किलो 55 किलो हाँ जी 100 रुपये नू मक्की विक रही है उंज सुका के 1500-1600 रुपये नू विक रही है हाँ जी मंग यही करते हैं सानू जो एम एस पी है वह सानू जारी करन भाजी सरकारां ना कुछ भी नहीं कर रही कहन तो बड़ा कुछ कह रही ने जो सानू रेट आ वह सानू मिल नहीं रहा मक्की 40 किले भाजी हाँ जी हाँ जी बहुत घाटा पेगा खर्चा भाजी 15-20000 आ जाता हाँ जी रेट मिल नहीं रहा भाजी रेट 1000-900 रुपये तो 1000 तक है जी बस ठगे जा रहे हैं जी पूरे सरकार की कहनी
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ 2000-2500 ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ 900 ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੁੱਟਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਚ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਹਰੇਕ 'ਚ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੋ ਰੇਟ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੱਕੀ ਉਹ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25-30 ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੱਕੀ ਨਾ ਸੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਵਪਾਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਭਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70,000 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕੁਇੰਟਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ? ਰੇਟ ਸੁੱਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਿੰਨਾ? ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈਗਾ ਜੀ 1900 ਰੁਪਏ। 1900 ਰੁਪਏ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ 6400 ਰੁਪਏ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 4000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੁਣ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।